हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो एज़ वी ऑल नो कि वैलेंटाइंस वीक चल रहा है और आई थिंक एक दो दिन में वैलेंटाइन भी आ जाएगा। जब तक ये वीडियो जाएगी आई थिंक उसके नेक्स्ट डे ही वैलेंटाइन होगा। सो इसलिए मैंने यहाँ पे एक वैलेंटाइन का बहुत ही ईजी पीजी सा लुक क्रिएट किया है एंड आई फील कि ये बहुत ही परफेक्ट वैलेंटाइन लुक है जिन लोगों को हैवी मेकअप करना नहीं पसंद है। एंड ये क्विकली लाइक 10-20 मिनट्स में आप इसे अचीव कर सकते हो। तो या वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स डिस्कस मैंने क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किए हैं एंड कैसे ये लुक अचीव किया है। सो यहाँ पे मैंने अपना ऑलरेडी स्किन केयर कर लिया था, जैसे कि सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र एंड एवरीथिंग। आजकल मैं थोड़ा स्किन केयर प्रॉपर फॉलो कर रही हूँ एंड इसके वजह से मे बी अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो मेरा डार्क सर्कल भी काफ़ी कम हुआ है। एंड उस स्किन केयर के वजह से ना मेरा फेस थोड़ा ड्राई फील हो रहा है। आई फील कि वेदर का भी इसमें कुछ है, क्योंकि वेदर भी काफ़ी चेंज हो रहा है इसलिए मेरा स्किन ड्राई हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर प्राइमर के लिए प्लूम का सिल्क ब्लर मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है एंड वो ना कैसे मॉइस्चराइज भी कर देता है आपके फेस को एंड प्राइम भी कर देता है, तो इसलिए मैंने वो यूज़ किया है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कुछ मैट वाला जो प्राइमर आता है वो ट्राई कर सकते हो। वही यूज़ करो क्योंकि आपकी ऑयली स्किन है एंड आपका बाद में ऑयल रिलीज़ हो ही जाएगा फेस से। एंड आपकी ड्राई स्किन है तो ट्राई करो कि आप ऑयल बेस या फिर कुछ मॉइस्चराइज़र बेस प्राइमर यूज़ करो। उसके बाद मैंने यहाँ पे हल्का सा कलर करेक्ट किया था। कलर करेक्ट आप कुछ भी यूज़ करके कर सकते हो, जैसे कि लिपस्टिक या फिर आप अपने शेड का कोई कंसीलर यूज़ करके भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे लॉरियल का कंसीलर यूज़ किया, इनफॉलिएबल वाला, एंड वो कंसीलर बहुत ही अच्छा है, इसकी कवरेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर O2O का ब्लश लगाया है ब्लेंड करने के बाद। देन मैं यहाँ पर अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ। सो यहाँ पर ब्लश मैं बाद में भी लगाऊँगी बिकॉज अभी मुझे ऐसा लग रहा थोड़ा सा ब्लश कम है, बट जब हम क्रीम वाला ब्लश लगाते हैं ना तो वो एकदम से नहीं दिखता है। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है या फिर मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जब हम क्रीम ब्लश लगाते हैं तो वो तुरंत नहीं दिखता है, मतलब लाइट अगर आप लगाओगे तो, बट थोड़ा टाइम होने के बाद जैसे आपका मेकअप सेटल हो जाता है वैसे ही आपका जो मेकअप जब सेटल हो जाता है तो आपने जो भी अपने फेस पे लगाया ना वो प्रॉपरली ब्लेंड आउट होके उभर के दिखता है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर पाउडर लगा लिया है अपना फेस कॉन्ट्रोल वगैरह करके। मैंने पाउडर के लिए माइग्लैम का पाउडर यूज़ किया है एंड उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ आई मेकअप। सो आई मेकअप मैंने थोड़ा सा पिंकिश ब्राउनिश रखा है बिकॉज इट्स फॉर वैलेंटाइन इसलिए। सो सबसे पहले मैंने ब्राउन शेड यूज़ किया, लाइट ब्राउन शेड, देन डार्क वाला ब्राउन शेड, उसके बाद वाइन कलर मिक्स वाला जो ब्राउन शेड होता है ना वो यूज़ किया है एंड उसे मैंने अपने आउटर वी पे पूरा ब्लेंड कर लिया अच्छे से। उसके बाद मैंने एक पिंकिश शेड का ग्लिटर आई शेडो लिया है और उसे अपने फिंगर से ब्लेंड कर दिया। सो इस टाइप के आई शेडोज़ जो होते हैं ना वो बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं यूज़ करने के लिए एंड किसी भी लुक के साथ चले जाते हैं। उसके बाद मैं अपने इनर कॉर्नर्स एंड आईब्रो बोन्स को हाईलाइट करी। आई नो मेरे को आईब्रोज पहले फिल करना था बट मैं यहाँ पे वाइस वर्सा करी, जो भी है मेरे हाथ में मैं पहले वही करते जा रही हूँ। एंड जब भी मैं मेकअप करती हूँ मैं ऐसे ही फॉलो करती हूँ। मेकअप करने का कोई रूल नहीं होता है, बस आपका परफेक्शन होना चाहिए। आप चाहे कोई भी चीज़ कैसे भी करो, बस वो मेकअप का लुक जो है ना वो परफेक्टली आना चाहिए, स्टैंड आउट होना चाहिए। मेरा तो वही है कॉन्सेप्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क वाला आई शेडो लगाया है हल्का सा अपने ऊपर वाले वाटर लाइन पे, ताकि थोड़ा सा स्मोक आउट हो जाए लुक। एंड उसके बाद मैं लाइनर लगा रही हूँ एंड मैंने नीचे वाले वाटर लाइन पे भी पिंक कलर का आई शेडो ब्लेंड किया है। सो ओवरऑल ये पिंक ग्लिटरी टाइप का मेकअप है एंड आई फील कि एब्सोल्युटली ये वैलेंटाइन के लिए बहुत ही ईजीली चला जाएगा, या फिर आप कोई भी ओकेजन में कर रहे हो पार्टी वाइज या बर्थडे वाइज, ये बहुत ही अच्छे से चला जाएगा और करने में बहुत ही आसान है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाया है मस्कारा। सो आई हैव सीन मैनी पीपल हु आर डूइंग एक्चुअली आई मेकअप, जो बिगनर्स होते हैं उनको, वो आई मेकअप करते हैं बट मस्कारा नहीं लगाते, लाइनर लगाते हैं बट मस्कारा नहीं लगाते, जिनकी वजह से उनका जो आई मेकअप या जो भी है ना वो उठ के नहीं दिख पाता है एंड आई मेकअप जो है वो आधा अधूरा दिखता है। तो मेक श्योर कि आप मस्कारा ज़रूर यूज़ करो। उसके बाद मैंने आईब्रो फिलिंग कर ली है एंड मैं यहाँ पर अगेन अप्लाई कर रही हूँ मार्स का आई बिलोंग इन योर पर्स वाला जो चिक पैलेट है ना, वो बहुत ही अच्छा चिक पैलेट है, मैं उसे डेली यूज़ करती हूँ एंड आई गेस क्रीम ब्लश को छोड़ के पाउडर में अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं अभी फ़िलहाल वही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें कॉन्टोर भी है, हाइलाइटर भी है एंड अपना व्हाट डू यू से ब्लश भी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे हाइलाइटर लगा के
लिपस्टिक लगाया है, पहले मैंने रेड कलर के लिप से लिप लाइनिंग की है, उसके बाद मैंने एक यू नो शॉर्ट्स वीडियो में शेयर किया था मल्टीपल पिल वाले लिपस्टिक, उसमें से मैंने एक लिपस्टिक लिया जो कि मिलता जुलता रेड शेड में है एंड उसे थोड़ा सा फिल करके मेरे लिप्स पे मैंने यहाँ पे ज़ूडियो का लिप ग्लॉस अप्लाई किया है। सो लिप ग्लॉस आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई एम एक्चुअली ऑब्सेस्ड। Also don't forget to apply setting spray ताकि आपका मेकअप जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। सो या गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय द वे, सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।